यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब इतनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है ना कि क्या ही बताऊं भाई। और हम लोग भाई प्लानिंग कर रहे हैं भाई वाटर पार्क जाने के लिए। भाई बहुत टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वाटर पार्क जाएंगे, लेकिन भाई प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि भाई फैसल के चैनल पर स्ट्राइक आ गया था, तो फैसल के वीडियोज वगैरह नहीं बन रहे थे। तो एक दो दिन में भाई फैसल के चैनल पर वीडियोज भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भाई दो चार दिन के अंदर हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। भाई साहब सबर ही नहीं हो रहा है कि कब जाएंगे वाटर पार्क। इतने दिन से बोल रहे हो ना कि वाटर पार्क जाएंगे कि सबर ही नहीं हो रहा है। एक महीना हो गया भाई साहब और गर्मी भी फुल पड़ रही है। ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे, मजा आएगा। भाई लास्ट ईयर भी हम लोग वाटर पार्क गए थे जो कि भाई कानपुर में ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क था, बहुत बड़ा वाटर पार्क था, लेकिन भाई उतना मजा वहां आया नहीं था। एक्चुअली भाई बहुत सारे स्लाइड वहां पे उस दिन बंद थे भाई, इसलिए भाई उतना ज्यादा मजा ले नहीं पाए थे। लेकिन इस बार भाई तगड़े वाले वाटर पार्क में जाएंगे जहाँ पे भाई तगड़ा तगड़ा स्लाइड होगा। लेकिन जाके वाटर पार्क में एक गड़बड़ रहता है कि मुझे स्लाइड पे जाने ही नहीं देते बड़े बड़े। एक्चुअली भाई ना जीशान का हाइट थोड़ा छोटा है ना, तो इसके वजह से जीशान को बहुत सारे भाई बड़े बड़े स्लाइड पे जाने ही नहीं देते। बोलेंगे कि तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम नहीं जा सकते। लेकिन अभी जब हम लोग इस बार गए थे ना वाटर पार्क, मैं और फैसल भाई, तो हम बड़ी बड़ी स्लाइड भी कर रहा था, जाने दे रहे थे। चलो भाई देखते हैं। भाई दो बार तो हम लोग गए वाटर पार्क, दोनों बार जीशान को भाई रोक दिए हैं बड़े बड़े स्लाइड पे। अब इस बार भाई क्या होगा क्या नहीं देखा जाएगा भाई। यस, इस बार कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं हर स्लाइड पे जाऊंगा, देख लेना। और रोकेगा तो? कोई नहीं रोकेगा। अच्छा रोका तो? नहीं रोकेगा। अच्छा एक्चुअली भाई स्लाइड के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना कि इतना वेट चाहिए, इतना हाइट चाहिए, नहीं तो भाई मतलब रिस्क भी रहता है स्लाइड पे ना, कोई कोई उछल के बाहर गिर जाता भाई स्लाइड से। भाई साहब सच में यार इतना खतरनाक वाला गर्मी पड़ रहा है ना कि क्या ही बताऊं भाई। ये देखो भाई एसी ऑन है, नहीं तो भाई रूम में भी हमारे बहुत ज्यादा गर्मी होता। और एसी से याद आया भाई कि ईशान के भी रूम में भाई आज एसी लग रहा है। ना हमेशा लाइफ में दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्राई नाउ और रिग्रेट लेटर। आई ट्राइड बिकॉज मुझे रिग्रेट नहीं करना था। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज तो आप जानते ही हैं, हम ही फैंस ने क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया है। इसका रीजन जानते हैं आप कि क्यों? क्योंकि भाई क्रिकेट मैचेस पे सबसे ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं। मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, फिर आईपीएल के दौरान मैंने अपना लक आजमाया और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन मैं आप लोग को पुरानी बातें नहीं, आगे आने वाले समय में पैसे जीतने वाली बातें बताने आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और इससे अच्छा मौका आप लोगों को 22bet.com पर पैसे जीतने का नहीं मिलेगा। के बाद वर्ल्ड कप मतलब बड़ा जैकपॉट। 22bet.com पर आप लोगों को मिलता है बेस्ट ऑड इन द मार्केट, 100% वेलकम बोनस और हजारों कैसीनो गेम्स। अभी रजिस्टर कीजिए, पैसे जीतिए और इंस्टेंट विथड्रॉ जैसे फीचर्स का लुफ्त उठाइए। देर किस बात की, हरी अप एंड रजिस्टर नाउ 22bet.com, बेट टू प्ले, बेट टू विन। ये देखो गाइस यहां पे एसी का काम चालू है। ये देखो भाई अभी वहाँ पे होल वगैरह हो रहा है और यहाँ पे एसी वाला ये चीज लग चुका है। अभी मेन भाई मशीन जो है बाहर लगाना बाकी है। ये छत पे जाएगा ना जीशान? हाँ। भाई ये देखो ड्रिल करने की वजह से ना पूरा भाई रूम भाई गंदा हो गया है यार। ओ भाई आज तो एसी में सोऊंगा, ठंडा ठंडा मजा आएगा। अब तो रूम से बाहर ही नहीं निकलेगा ना जीशान? नहीं भाई, ये एसी का काम ना भाई सुबह से ही चल रहा है। एक्चुअली भाई दीवार में होल ही नहीं हो रहा था, एक बंदा आया था लगाने वाला, वो भाई होल करते करते भाग गया, मतलब वो दीवार में होल ही नहीं कर पाया, पता ही नहीं चला था भाई कि ड्रिल मशीन कहाँ जा रहा है। नहीं तो भाई सुबह ही एसी लग गया होता, अभी शाम के 4 बज रहे हैं भाई, कम से कम 5-6 घंटे से काम चल रहा है। अब तक तो एसी लग गया होता और चलने भी लगता, पता नहीं क्यों दीवार में होल ही नहीं हो रहा था। एक बंदा आया तो वो भाग गया। हाँ वो भाग गया। अभी दूसरा बंदा आया वो भाई मतलब होल कर रहा है, वो बोल रहा कि हो जाएगा, है ना। तो भाई साहब अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे मानीचंद पे हो रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई इसमें क्या मैं अपनी टीम से पार्टिसिपेट लूं, तो मतलब सब लोगों ने बोला था हाँ भाई इसमें अपनी टीम लेके जाओ टूर्नामेंट में। तो आज भाई अपना मैच है शाम को 5 बजे से, मतलब फुल बॉलिंग वाला मैच है भाई, फुल बाउंड्री वाला, मजा आएगा। जी शाम तू भी चलेगा ना? चलो भाई आज अपनी टीम का मैच रहेगा, मजा आएगा भाई। और गाइस आप लोग ये भी मत भूलना क्योंकि इस संडे को होने वाले क्रिकेट चैलेंज मेरे टीम में और दूसरे गांव की टीम में, भूलना नहीं भाई। हर संडे को हम क्रिकेट चैलेंज करवाते हैं अपने गांव के बच्चों के बीच में और दूसरे गांव की टीम में भाई, तो ये संडे भी क्रिकेट चैलेंज होगा भाई जीशान की टीम से। फिलहाल भाई साहब ये देखो शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग चल रहे हैं भाई क्रिकेट खेलने के लिए। चलें जीशान? चलो। फिलहाल भाई साहब ग्राउंड में पहुंच गए और यहाँ पे एक मैच हो रहा है, इसके बाद अपना मैच है भाई,
उसके बाद अपना मैच। क्या हाल चाल है? चौबा वारिस। ये देखो भाई साहब, अभी यहाँ पे हम लोग आए थे तो यहाँ पे सामने वाली टीम चली गई है और मैच हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ इधर उधर हो रहा है भाई, मैच अभी पता नहीं क्या होगा इधर। भाई आए थे टूर्नामेंट खेलने के लिए लेकिन मैच ही नहीं हुआ, हम लोग को वॉक ओवर मिल गया, मतलब हम लोग की टीम जीत गई क्योंकि सामने वाली टीम आई ही नहीं टाइम से। तो अभी चल रहे हम लोग घर। चले चलो। ये देखो भाई, अभी हम लोग घर पे पहुंच गए और अभी भी एसी नहीं लगा है। भाई साहब ये देखो, घर पे पहुंचते हम लोग को 7 बज गया क्योंकि हम लोग भाई टीम का वेट कर रहे थे वहाँ कि टीम आएगी हम लोग खेलेंगे, लेकिन भाई सामने वाली टीम आई नहीं तो हम लोग की टीम को जीत दे दिए। और यहाँ पे आए तो देखे भाई एसी का आधा काम हो गया, अभी आधा काम बाहर हो रहा है ना जीशान। पूरा दिन चला गया जीशान। तो भाई साहब फटाफट घर पे पहुंच गए और ये देखो भाई फ्रेश हो गए। भाई इतनी खतरनाक वाली बाहर गर्मी हो रही ना भाई कि क्या ही बताऊं। वहां पे भाई ग्राउंड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए बॉल वॉल फेंक दिया, थोड़ी बैटिंग कर लिया ना भाई, पूरा इतना पसीना पसीना भाई, मतलब इस मौसम में भाई क्रिकेट खेलने लायक ही नहीं है भाई, चाहे वो शाम हो सुबह हो कभी भी भाई, मतलब आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है इतना, मतलब सुबह शाम हो जाता ना भाई, सनसेट हो जाता उसके बाद भी खतरनाक वाली गर्मी होती है, सोच लो भाई। भाई मैंने सुना है ना न्यूज में कि कहीं कहीं तो टेम्परेचर भाई 50 के ऊपर पहुंच गया, 50-55 दिल्ली में ही भाई, मतलब सोच लो वहां का क्या हाल होगा, कितना खतरनाक वाली गर्मी वहां पड़ रही होगी भाई। क्या हुआ, एसी लग गया तुम्हारा? अभी नहीं भाई, सुबह से 9 बजे से एसी लग रहा है, अभी तक लगा नहीं है। और कितने घंटे का काम है ये? 1-1.5-2 घंटे का काम है, लेकिन टाइम लग गया। क्यों? लेकिन आउटडोर के वजह से। भाई अभी भी देखो वहां पे काम हो रहा है छत पे भाई, ये देखो वल्ला, अभी भी समीर इंतजार कर रहे हैं कि कब एसी का हवा लेगी, उनकी खुद की हवा टाइट हो गई। खुशी देखो चेहरे की भाई, बस चालू होने वाला है। हा? अरे ठंडा हो गया पूरा रूम। एसी चलाने के क्या क्या नियम है? नियम एसी चलाने के ये है कि दोनों दरवाजा नहीं खुलेगा और खिड़की हमेशा बंद रहेगी और 24 से नीचे नहीं चलाया जाएगा। टेम्परेचर तो निकलेगा कहाँ से जब सब बंद रहेगा? बताओ। अरे ठंडी लग रही है। हाँ सब लोग तैयार है भाई एसी चालू होने के लिए, लेकिन भाई बिजली ही नहीं आ रहा, आप देखो। भाई साहब फाइनली एसी तो लग गया है, लेकिन अभी पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, भाई बिजली ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो चेक हो रहा है कि क्यों नहीं बिजली आ रहा है, और सब लोग गांधी जी के 3 बंदर इंतजार कर रहे हैं। अभी उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है, है पर तो। आज चालू हो जाएगा। टेम्परेचर 60 पे था तो भी मुझे ठंडी लगने लगी। क्या था? रुक जा, क्या था वो? क्या था? टेम्परेचर नहीं था, कुछ और था। क्या तो बता ना जब तुझे मालूम है। वो चर्सी था। फाइनली गाइस हमारे एसी में बिजली आ गया। फाइनली भाई साहब एसी लग गया। सब आएगा असली मजा भाई। भाई रूम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है भाई। बोलना भी एक चीज और सब लोग से बोलना है, एसी सब लोग लगवाए लेकिन पेड़ भी लगाओ भाई। लगाओ हाँ, इस बार लगाएंगे, बारिश आने वाली है ना, 2-2 पेड़ सब लोग घर पे लगाओ। छोड़ दे।
स्टोरी लगाया कि उसका अंग्रेजों ने टैग कर दिया वर्क डन वर्क डन। अभी हम लोग चल रहे हैं बाहर कुछ खाने क्योंकि एसी लग गए ना इसी खुशी में। इसी खुशी में पार्टी है ना। यस बट भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं सुएस पैलेस। क्या ऑर्डर किए हैं जीशान? बटर चिकन और बटर नान। यस भूख लगा है तगड़ा वाला। फटाफट भाई साहब हमने खाना खा लिया, अब चलते हैं घर। ये क्या लिया रे बिमल? बिमल लिया, उसकी सुरती भी है। मजा आया? हाँ। मजा क्यों नहीं आएगा, फ्री का खाने को मिला है तो मजा नहीं आएगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं दिन से ही इंतजार कर रहा था कि कब एसी लगे और कब रात हो, मैं सोऊं भाई ठंडा ठंडा। ओ न्यू एसी लगते, न्यू एसी लगते ही पोपट हो गया। अरे अरे ये चूहा रहा। हाँ तो छोड़ो आदम। क्या था? बिल्ली। ये वो मुझे लगा सांप है रे। चूहा था तो छोड़ो। हाँ तो अकेले भागे गए। अकेले सही ना। बोला अभी भी समीर तुम एसी में क्यों नहीं सोती? खराब हो गया। बक क्या खराब हो गया रे? एसी कैसे? अभी हम लोग गए तब सही था, उससे पहले ही खराब हुआ था। ये क्या नाटक कर रहे, ये बाहर क्यों सो रहा है रे? आ? ये रहे भाई जस्ट अभी अभी हम लोग घर पे पहुंच रहे हैं, देख रहे भाई एसी ही नहीं चल रहा है, कुछ तो दिक्कत हुई है भाई घर में। एक्चुअली दो दो एसी हो गया ना, जैसे कुछ लाइट में कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई है भाई। ये देखो एसी चल ही नहीं रहा है, ये लोग सोचे थे कि रात भर एसी में सोएंगे। मैं सोचा था कि आज यहीं पे सोएंगे बट फिर मुझे दूसरे रूम में सोना पड़ेगा, ये बहुत गर्म है भाई रूम। जीशान पोपट हो गया रे गंदा वाला। एसी लगवा के बिना एसी में सो पाओ? भाई पूरा दिन एसी लगाया, मेहनत भी किए, इतना एसी का पैसा भी दिए, फिर भी सो ना पाओ एसी में। अरे पोपट ही पोपट है। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।